नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं एक सुंदर शहर हैदराबाद। यह शहर जिसने चार मीनार के बिना कभी खुद को पूरा महसूस ही नहीं किया हो, तो देर किस बात की, चले इस वास्तु के बारे में और जानेंगे। चार मीनार जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, ना ही कि सिर्फ एक स्थल है बल्कि यह एक पूरी दास्तान है। क्या आपने कभी सुना है कि चार मीनार को गोलकोंडा किले से जोड़ने वाला एक गुप्त सुरंग है, और इसकी असलियत क्या है, और आखिर इस इमारत को क्यों बनाया गया, तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर ठीक चार मीनार के बगल में, जो हैदराबाद की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। यहाँ की भाग्यलक्ष्मी देवी ने इस स्थल को एक विशेष रूप से नवाजा है। चार मीनार विजिट के लिए प्रति व्यक्ति ₹25 टिकट है और कैमरा के लिए ₹25 अतिरिक्त शुल्क देना होता है। इस इमारत के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए आपको 149 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी होती है। ध्यान रखें, सीढ़ियों की ऊंचाई थोड़ी बड़ी होने से आपको चढ़ने के लिए दिक्कत हो सकती है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद आपको चार मीनार के अगल बगल में सुंदर बाजार का नजारा दिखेगा। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में इस महान इमारत का निर्माण करवाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस किले के पीछे छिपे रहस्य क्या हैं? चार मीनार और उसकी ऊंचाई ने कहानी और इतिहास को सुंदरता प्रदान की है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे बनाने का कारण गोलकोंडा के नगर में फैले हुए प्लेग की महामारी से था, और इस महामारी के कारण सुल्तान ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अल्लाह से इबादत करने के लिए मस्जिद बनाने का निर्णय किया। चार मीनार की बनावट में फारसी आर्किटेक्चर का योगदान है, जिससे इसमें आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक भी है। माना जाता है कि गोलकोंडा से चार मीनार तक एक गुप्त रास्ता जाता था, जो आप मेरे गोलकोंडा फोर्ट हिस्ट्री ब्लॉग में देखे होंगे। लेकिन यह सब तो कहानी का एक हिस्सा है, क्या यह सच है या एक और कहानी है, यह तो समय ही बताएगा। चार मीनार के आसपास के बाजारों के शोर शराबे में डूबकर यहाँ का माहौल कुछ अद्वितीय है। आपको लगेगा कि कहीं दूसरे समय का हम एक हिस्सा हो रहे हैं। थैंक यू दोस्तों इस कहानी के साथ रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, हम मिलेंगे आपको अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।